Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point. तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग क्लास 9th का SST का वर्कशीट नंबर 5 करने वाले, ठीक है, क्लास 9th का जो वर्कशीट है हिस्ट्री का वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं, और ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का है 5th पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर ऑलरेडी आपको हम कराए रहे हैं, तो वहाँ से कराएंगे, तो आपको हम इसे ज़्यादा नहीं समझा के सीधा आज की जो वर्कशीट है, जो चार बहुत इजी क्वेश्चन था, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको यहाँ से वर्कशीट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो है व्हाट वे द डिफिकल्टीज इन द गवर्नमेंट्स ऑफ डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी का गवर्नमेंट था, जो डायरेक्टरी का राजा था, डायरेक्टरी का जो राजा चल रहा था उसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, उसके बारे में बताना था। तो जैसे पहला था जो डायरेक्टली था, उसमें आपस में एक ज़्यादा से समझौता नहीं होता था, भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा थी, लोग भ्रष्टाचार थे, लड़ाई ज़्यादा होता था, तो ये सब था। तो पहला प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूअस वार, लगातार युद्ध होता था, पहला प्रॉब्लम ये था। इनएक्सपीरियंस एंड करप्ट मेंबर्स, जो मेंबर थे उसका इनएक्सपीरियंस थे, इनएक्सपीरियंस का मतलब ये होगा कि ज़्यादा सब लोग जो क्या थे, ज़्यादा अनुभवी नहीं थे, सब लोग ऐसे ही थे, और ज़्यादा करप्ट थे, मतलब भ्रष्टाचार ही ज़्यादा थे, सब लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ काम करते थे, तो ये सब था, यही कारण था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक डाउनफॉल यानी कि जो अर्थव्यवस्था था वो नीचे जा रहा था, तो ये सब कुछ कारण था, क्या ये सब कुछ जो कारण था, डिफिकल्टी था डायरेक्टली प्रिंसिपल्स का, जो गवर्नमेंट था डायरेक्टली का, उसमें ये सब कुछ समस्या थी। क्वेश्चन नंबर जो 2 था स्टूडेंट्स, हाउ डिड नेपोलियन वन सक्सेस इन द एस्टैब्लिश इज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स। जो नेपोलियन था, जो राजा था, वो अपने आप कैसे सक्सेस पाया, कैसे पाया अपना सत्ता को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत सारे चीज़ लाया। सबसे पहले जैसे नेपोलियन जो था, एक इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशियंट इन द एरिया रूल्ड बाय हिम। मतलब जो नेपोलियन था, जहाँ पे वो शासन कर रहा था, उसके लिए ताकि अच्छे से वो शासन कर सके, उसके लिए बहुत चीज़ को बदलाव किया, ठीक है, बहुत सारे चीज़ को। जैसे सबसे पहले एक सिविल कोड लागू किया, 1804 में एक सिविल कोड लाया, ठीक है, जिससे हम लोग नेपोलियन कोड से जानते थे। इस सिविल कोड में अभी आप लोग पढ़ाए भी हैं कि बहुत सारे क्या क्या चीज़ दिया हुआ था, प्रिविलेज राइट्स को ख़त्म कर दिया, उसके बाद एब्लिश कर दिया था, सबको इक्वल था, वोटिंग राइट्स मिला 21+ को जो भी था, उसके बाद वोमेंस को राइट्स मिला था पढ़ने का, यह सब चीज़ का, ठीक है। इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि जो जन्मसिद्ध अधिकार मिला था वो सबको ख़त्म कर दिया। इट इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टीज। और ये क्या किया, सबको कानून के पहले सबको समान का अधिकार दिया, और सबको अपना प्रॉपर्टीज़ का अधिकार दिया, यानी कि सबकी प्रॉपर्टीज़ का अपना अपना अधिकार है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेपोलियन कोड। जो नेपोलियन कोड था, अभी बताए थे ना, नेपोलियन कोड था सुधारा था ताकि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छा से बना सके। तो नेपोलियन कोड जो था, ये क्या था इसके अंदर, अंडर दिस कोड पहले क्या इम्पोर्ट, ये तो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, राजा होगा, राजा के नीचे क्या होगा, जमींदार शासन जो होता था इस तरह से, तो उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। जो लगान वगैरह लेते था, जो किसान से टैक्स वसूलता था, सब भी ख़त्म हो गया। जो बर्थ बेस्ड राइट्स वेयर अबलिस्ट, जो आपको बताए थे, जो फर्स्ट स्टेट्स और जो सेकेंड स्टेट था उन्हें कुछ प्रिविलेज मिलता था, जन्मसिद्ध अधिकार था, तो सब चीज़ को भी क्या कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ वॉज इस्टैब्लिश, कानून से पहले समानता का अधिकार, कानून से पहले समानता का जो अधिकार था उसे भी क्या कर दिया, एक तरीके से ख़त्म कर दिया। सबको बोल दिया कानून के पहले सब एक जैसा, कानून के लिए सब बराबर है। राइट टू प्रॉपर्टीज वाज गिवन, सबको प्रॉपर्टीज़ का राइट्स मिला, मतलब सबके अपने अपनी प्रॉपर्टीज़ का राइट्स होगा, बोले कि सबको प्रॉपर्टीज़ का अधिकार है, ठीक है, अपना जमीन का सबका अपना हक है, मालिकाना हक दिया। तो सब कुछ इंपॉर्टेंस था नेपोलियन कोड में, जो बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर जो 4th था बच्चों, वो ये है, विच लॉ एंड प्रोविजनल गिवन इन द नेपोलियन कोड डू यू कंसिडर द इम्पोर्टेंस फॉर यू एंड फॉर। आप बोला कि कौन सा लॉ जो था, नियम था, कोई से अभी आप लिख सकते हो कि आप किस लॉ से नेपोलियन कोड से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, सहमत हैं, और क्यों है ऐसा, ठीक है। तो हमें जहाँ तक लगा जो इक्वलिटी का लॉ लाया था वो ज़्यादा अच्छा है, तो हम इसलिए ये लिखे। आप लोग को जो लॉ सही लगेगा आप लोग उस तरीके से आप लोग वो लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ से आप लोग लिखोगे, ठीक है, नेपोलियन कोड इस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, आई कंजिस्ट दिस लॉ बिकॉज द प्रोविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज इट एंडेड द डोमिनेशन ऑफ प्रिविलेज बर्थ, ठीक है, जो प्रिविलेज बर्थ था उसे ख़त्म कर दिया। देखो यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, ठीक है, इसे जब सेट पेज करने में, तो आप लोग बता दें कि आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, ये चीज़ जो था ना आपकी वर्कशीट में,
आप लोग यहाँ से लिख देना कि ये बहुत अच्छा था और हम लोग इसका सहमत करते हैं, ठीक है। इक्वल बिफोर द इक्वलिटी बिफोर द लॉ बाद प्लेस द कोड बाई लॉ, ठीक है। ये सब आप लोग यहाँ से लिख देना कोई सा भैया। तो आई होप कि आज का जो सेशन था आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और आप लोग को वीडियो करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखो हम शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर सही से वर्कशीट का कर सको, आसानी से समझ में आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।